हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन स्किन डिजीज के बारे में। इस स्किन के बीमारी का नाम है पिट्रियासिस रोजिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कॉमन स्किन की प्रॉब्लम है और इसमें हमें देखने मिलते हैं रेड स्केली पैचेस। रेड पैचेस जो कि स्केली होते हैं, थोड़े उठे हुए होते हैं, और ये पैचेस कहाँ देखने मिलते हैं? हमारे नेक, गर्दन पर, चेस्ट पर, टमी पर, पीछे कमर की तरफ और थाइस और अपर आर्म्स की तरफ, यहाँ पर हमें देखने मिलते हैं रेड स्केली पैचेस। और इस बीमारी को हम बोलते हैं पिट्रियासिस रोजिया। दोस्तों, आज हम इस बीमारी के क्या कारण है, इसके क्या क्या लक्षण हैं और इसको हमें कैसे ठीक करना चाहिए, ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको और लाकर दे सकें। और आप अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा, उस पर हमें आप कंसल्ट कर सकते हैं। पिट्रियासिस रोजिया, इस स्किन डिजीज़ का एग्जैक्ट कॉज आज तक कोई सही तरीके से पता नहीं लगा पाया, पर कुछ लोग बोलते हैं कि एक वायरल स्किन इन्फेक्शन है जो कि हर्पेस इस वायरस की वजह से होता है। ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स लोगों का मानना है। क्या ये बीमारी, स्किन डिजीज़, फैल सकती है? नहीं जी दोस्तों, ये नहीं फैल सकती। दिस स्किन डिजीज इज नॉट कंटेजियस, यानी कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती। ये ज़्यादातर बीमारी पुरुषों में यानी कि मेल्स में पाई जाती है। ये स्किन डिजीज़ की जो वय है जिसमें ये देखने मिलता है वो है उम्र 10 से 35 साल के बीच में। 35 और 10 साल की उम्र के बीच में ये बीमारी ज़्यादा देखने मिलती है। इस बीमारी के जो सबसे प्रमुख साइंस एंड सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो क्या हैं? दोस्तों, सबसे पहले इस बीमारी में एक हेराल्ड पैच आता है, यानी गोलाकार पैच निकलता है। इस पैच की जो साइज़ है वो 2 से 10 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। इसको हम हेराल्ड पैच बोलते हैं, यानी कि जो सबसे शुरुआत में पैच आया, या इसको मदर पैच बोलते हैं, ताकि जो भी पैचेस आगे निकलेंगे बीमारी बढ़ेगी वो इस पैच आने के पश्चात ही बढ़ती है। तो दोस्तों, सबसे प्रमुख लक्षण है ये हेराल्ड पैच या मदर पैच, जो कि गोलाकार आकार का होता है। ये जो शुरुआती पैच है, जो हेराल्ड पैच हमने बताया, ये कहाँ पर भी आ सकता है। आपके चेस्ट पे आ सकता है, टमी पर आ सकता है, पीछे ट्रंक पे आ सकता है, या हाथों पे आ सकता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस मदर पैच के आने के बाद में पूरे शरीर पर हमें देखने मिलते हैं जनरलाइज्ड डिफ्यूज्ड इरप्शन, यानी छोटे छोटे 0.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक के गोलाकार पैचेस देखने मिलते हैं। ये जो हेराल्ड पैच है उसके आने के कम से कम 7 से 10 दिन पश्चात देखने मिलेंगे। दोस्तों, ये जो पैचेस जो दिखते हैं, स्किन डिजीज दिखते हैं, एक टाइप से टीनिया इन्फेक्शन, यानी कि फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम हमारी आम भाषा में दाद बोलते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे दाद जैसे दिखते हैं, हालांकि ये दाद से बिल्कुल अलग है। एक क्रिसमस ट्री अपीयरेंस दिखता है, जैसे क्रिसमस ट्री होती है उस तरह से आपके पीछे पीठ पर या पेट पर ये पैचेस की आकार रूप लेता है। इस बीमारी की अवधि नॉर्मली 5 से 7 हफ्ते तक देखी जाती है, मगर कुछ लोगों में ये 4-5 महीने तक भी खिंच सकती है। इस बीमारी से कुछ लोगों को लक्षण आने से पहले कुछ लोगों को सिर दर्द, हल्की बुखार, बॉडी पेन हो सकता है, पर यह ज़्यादातर लोगों में नहीं देखने मिलता। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये याद रखना है कि अगर पिट्रियासिस रोजिया किसी गर्भवती महिला को हो गया, प्रेग्नेंट महिला को हो गया, तो पहले 15 हफ्तों में, अगर फर्स्ट 15 वीक्स में अगर इस बीमारी के लक्षण आपको देखने मिले हैं, तो उस महिला के अंदर प्री मैच्योर डिलीवरी या फीटल डिमाइस, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए इस बात को बहुत ही सावधानी से ध्यान में रखना है कि प्रेग्नेंट महिला में अगर ये बीमारी आपको देखने मिले तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। दोस्तों, पिट्रियासिस रोजिया का ट्रीटमेंट कैसे, चिकित्सा करनी है? सबसे अच्छी ये बात है कि नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। ज़्यादा टेंशन, सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन है, यानी बीमारी अपने आप धीरे धीरे समय के साथ चली जाती है, ठीक हो जाती है। नॉर्मली 5 वीक्स यानी 5 हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाती है, और इसकी जो रिकरेंस है, जो वापस होने की संभावना है, वो भी रेयर है, यानी कि ना के बराबर है। तो सबसे पहली अच्छी बात तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है कि कुछ पेशेंट्स को, कुछ लोगों को ज़्यादा खुजली होती है, खारिश होती है, इचिंग होती है, तो वो एंटी एलर्जिक टैबलेट्स जैसे कि लिवोसेट्रिजिन है, यानी कि लिकोप है, या बिलास्टिन है, ये एंटी एलर्जिक टैबलेट्स ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। कुछ पेशेंट्स को हमने देखा, उनको बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा होती है, जलन होती है स्किन के ऊपर, वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग कैलामिन लोशन प्लस टॉपिकोट एनेक्स लोशन, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वो दोनों को मिलाकर उसकी हल्की फुल्की सुबह शाम मालिश कर सकते हैं।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ स्टडीज़ में सम स्टडीज़ में ये देखा गया है कि ए साइक्लोविर टैबलेट एक एंटीवायरल टैबलेट है, 800 mg दिन में 3 से 5 बार दे सकते हैं, उन लोगों को देना है जिसमें ये बीमारी डॉक्टर ने जल्दी डायग्नोसिस कर लिया है, हमको पता चल गया है कि पिट्रियासिस रोजिया है, एक तो उन लोगों को ये टैबलेट दे सकते हैं, और जिन लोगों को वाइड स्प्रेड दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि बहुत बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है, ज़्यादा जोर दिखा रही है, तो उन लोगों को एंटीवायरल टैबलेट ए साइक्लोविर 800 mg यानी कि 800 mg दिन में 3 से 5 बार ये दे सकते हैं 5 से 7 दिन। तो ऐसा देखा गया है कि जो बीमारी की अवधि है, जो बीमारी की गंभीरता है, वो बहुत कम हो जाती है, बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है, ज़्यादा परेशान नहीं करती। तो दोस्तों आज हमने आपको पिट्रियासिस रोजिया इस स्किन डिजीज़ के सारी लक्षण और सारी जानकारी दी है। आशा करते हैं वीडियो आपको उपयोगी होगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हम आपको हमारा नंबर दे रहे हैं, इस पर आप मैसेज करके आपका अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके उपयोगी होगा, इसको आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखेंगे। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।